बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। सही बुखारी की हदीस है, एक मुसलमान को दूसरे मुसलमान पर पांच हक हैं। नंबर एक, सलाम का जवाब देना। नंबर दो, बीमार पुरसी। तीन, जनाजों के पीछे चलना। चार, दावत कबूल करना। पांच, छींकने वाले को छींक का जवाब देना। तो ये हमारे इस्लाम में हमें जो माशरती अखलाकियात है उनमें से एक कुछ अखलाकियात इस हदीस में हैं, एक अच्छा माशरा कायम कर सकें। अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। ओके, सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ न्यू टॉपिक एंड इट्स लेक्चर 13 टू मिडलवेयर आर्किटेक्चर एंड टेक्नोलॉजीज एंड इट हैज बीन टेकन फ्रॉम अ बुक एसेंशियल्स ऑफ आर्किटेक्चर। सो द मिडलवेयर इज द प्लम्बिंग एंड वायरिंग ऑफ आई टी एप्लीकेशंस। जैसे प्लम्बिंग और वायरिंग आपको नज़र नहीं आती, दीज आर हिडन इन द वॉल्स, और जब कोई इसमें मसला हो तो तभी हमें पता चलता है कि कुछ मसला हो गया। सिमिलरली मिडल वेयर इज नॉट एग्जैक्टली विजिबल टू द यूजर्स, एंड यूजर्स, बट दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट टेक्नोलॉजीज। दीज मेक आर एप्लीकेशंस रोबोस्ट, सिक्योरिटी वाइज एप्लीकेबल, परफॉर्मेंस वाइज इफेक्टिव एक्सेट्रा। एंड मिडलवेयर प्रोवाइड्स एप्लीकेशंस विद फंडामेंटल सर्विसेज फॉर डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटर। वंस वी से डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग, वी जनरली मीन दैट मल्टीपल मशीन्स आर इन्वॉल्व इन एनी एप्लीकेशंस एंड देयर कंप्यूटिंग एंड प्रोसेसिंग इज ऑल्सो इन मल्टीपल मशीन्स। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू टॉक अबाउट अ थ्री लेयर आर्किटेक्चर, देन इट इज पॉसिबल टू क्रिएट थ्री यूज थ्री सर्वर्स, वन फॉर डेटा, वन फॉर प्रोसेसिंग बिजनेस लॉजिक एंड वन फॉर GUI। टेक्निकली स्पीकिंग, अ थ्री टेयर डिस्ट्रीब्यूटेड एप्लीकेशन कैन ऑल्सो बी कंसिडर्ड एज अ डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग एप्लीकेशन। मिडलवेयर प्रोवाइड्स रेडी टू यूज इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर कनेक्टिंग सॉफ्टवेयर कंपोनेंट्स। सो बिकॉज दीज आर सोफिस्टिकेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर्स, देयरफॉर Various giants have developed various kinds of technologies to help the developers to make use of these technologies. So the advantage of making use of these technologies is that once any developer is creating some application, they purely focus on the business logic which is rightly under consideration for any particular application. So routine issues which may be related to some networks, some security or some performance related issues, those issues are handled by these middleware technologies. Middlewares exist with different purposes, different vendors, and different standards and proprietary technologies. Conceptually, we can classify middleware technologies in four categories, namely transport,
रिलेटेड टेक्नोलॉजीज, देन एप्लीकेशन सर्वर टेक्नोलॉजीज, देन मैसेज ब्रोकर टेक्नोलॉजीज एंड वेरियस बिजनेस प्रोसेस ऑर्केस्ट्रेटर्स टेक्नोलॉजीज. सो यू कैन थिंक ऑफ इट दैट एज वी मूव अपवर्ड, दैट इज फ्रॉम ट्रांसपोर्ट टू एप्लीकेशन सर्वर्स और मैसेज ब्रोकर्स, द लेवल ऑफ सोफिस्टिकेशन इंक्रीजेस. ट्रांसपोर्ट प्रोवाइड्स द मोस्ट फंडामेंटल सॉर्ट ऑफ टेक्नोलॉजीज एंड एज वी मूव अप, फॉर एग्जाम्पल इन ट्रांसपोर्ट देर आर वेरियस मैसेज ओरिएंटेड मिडलवेयर्स, सम सॉर्ट ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेड ऑब्जेक्ट सिस्टम्स और जेसन रिलेटेड टेक्नोलॉजीज आर अवेलेबल. देन इफ वी फोकस एट एप्लीकेशन सर्वर्स लेवल, देन J2E, .NET और कंपोनेंट कोरबा मॉडल, these type of technologies are available. Then if we move further up towards sophistications, as we talk about message broker technologies, then some vendors like BizTalk, web server, WebSphere, message broker, Sonic, MessageQ, such type of technologies and brands are available. And if we move further towards the sophistication in massive process orchestrated based technologies, then again BizTalk, TIBCO, Starfare, Active BPL, such type of technologies are there to help the help various companies and developers so that they can make use of these technologies for effective application development. So if we specifically talk about the transport layer technologies, transport layer represents basic pipes for sending requests and moving data between software components. And these pipes provide simple facilities and mechanisms that may exchange data straightforward in distributed application architecture. And if we specifically talk about application servers, are typically built on top of basic transport layer. So they have been built, they are already making use of those transport services which are underneath. They provide additional capabilities such as transactions, security, and directory services, etc. They also support programming models like J2E or .NET, etc. for building multi-threaded server-based applications that exploit these additional services. And if we talk about message brokers, exploit either basic transport, as you can see from here, that the message brokers may directly use the transport layer technologies, or they may use application server technologies. So message brokers exploit either basic transport services and or application servers and add specialized message processing engines. तो जो बुनियादी चीज़ है message brokers में, they have specialized message processing engines. This engine provides features for fast message transformation and high level programming features. तो इसमें आपको, क्योंकि high level programming features मिलते हैं, it means that specialized, ये समझ लें कि जैसे हम ADL की बात करते हैं, DSL की बात करते हैं, तो ये एक तरह की DSL based programming style होता है इसमें, which are narrow and specialized programming languages. Then if we talk about business process orchestrators, they augment message brokers
तो बेसिकली मैसेज ब्रोकर्स की जो टेक्नोलॉजीज हैं उनके ऊपर फर्दर बिल्ट अपॉन किए गए हैं बीपीओस। दे ऑगमेंट मैसेज ब्रोकर फीचर्स टू सपोर्ट वर्कफ्लो स्टाइल एप्लीकेशंस। तो होता क्या है कि इसके अंदर वी मे क्रिएट वर्कफ्लोस आइदर ग्राफिकली और टेक्सचुअली, एंड इन सच एप्लीकेशंस बिजनेस प्रोसेसेस मे टेक मेनी आवर्स और डेज टू कंप्लीट, क्योंकि कोई भी सोफिस्टिकेटेड एप्लीकेशन हो सकती है। फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं प्राइम मिनिस्टर पोर्टल। प्राइम मिनिस्टर पोर्टल में अगर आपने कोई चीज़ की है तो उसके अंदर मल्टीपल वर्कफ्लोस बने हुए, तो हो सकता है एक महीना आपकी कंप्लेंट्स चल रही हो कभी इधर कभी उधर। अगर आप में से किसी ने कभी एक्सपेरिमेंट किया हो कंप्लेंट्स वगैरह को मॉनिटर करने का, यस, तो दीज में गो अप टू आवर्स मैनी डेज। सो कंप्लीट मैकेनिज्म फॉर हैंडलिंग द कंप्लेंट्स have been implemented in the business process, and various people at various steps would may be required to perform certain tasks. So this was the overview of the classification of middlewares. So today's lecture and to next week's lecture, that is the second lecture. In these two lectures, we are going to focus upon the middleware technologies. So we'll take a step from the transport layer technologies. And in this transport layer technology, we are going to cover JSON. JSON stands for JavaScript Object Notation, and message oriented middleware. So we are going to see these two technologies which fall under transport layer of middleware. So the JSON, which stands for JavaScript Object Notation, it has been this part of slide has been developed from the two links, as you can see from here. One is tutorialpoint.com and other one is w3schools.com. So what is JSON? JSON stands for JavaScript Object Notation, and JSON is a lightweight data interchange format. It is lightweight data interchange format. And JSON is a plain text written in JavaScript Object Notation. तो जेसन का सेंटेक्स और जावास्क्रिप्ट में अगर आप ऑब्जेक्ट क्रिएट करें तो उनका सेंटेक्स दीज आर ऑलमोस्ट सिमिलर, तो इसका ताल्लुक इट इज क्लोजली लिंक्ड विद जावास्क्रिप्ट, इसलिए इसके साथ जे एस लिखा होता है जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन। बट इट कैन बी बिकॉज इट इज अ टेक्नोलॉजी न्यूट्रल नोटेशन, एंड ऑलमोस्ट ऑल द लैंग्वेजेस मेक यूज ऑफ जेसन। JSON is used to send data between computers, and JSON is a language independent technology. The JSON syntax is derived from JavaScript object notation, but JSON format is text only. So text is handled by any language. There are no issues. Code for reading and generating JSON exists in many programming languages. Use JSON. JSON or JavaScript Object Notation is a lightweight text-based open standard designed for human readability data interchange. तो इसे कंप्यूटर भी रीड कर सकता है और ह्यूमन भी रीड कर सकते हैं, तो इसका ये एक एडवांटेज है। वी ऑफन से द सेम about XML, but XML is more verbose. उसमें बहुत ज़्यादा human readable तो ज़रूर होता है, लेकिन उसमें इतना ज़्यादा text होता है कि वो humans के लिए proper structure base अगर ना हो तो उसे read करना मुश्किल हो जाता है, because उसमें data बहुत ज़्यादा हो जाता है notations की वजह से।
Conventionally, conventions used by JSON are known to programmers, which include C, C++, Java, Python, Perl, etc. And it has been extended from JavaScript language. The file name extension is .json, and JSON internet media type is application.json. ये generally हमें application web development के दौरान इनको हमें सेट करना पड़ता है. एंड यूनिफॉर्म टाइप आइडेंटिफायर इज पब्लिक डॉट जेसन. यूजेस ऑफ जेसन. जेसन इज यूज्ड व्हाइल राइटिंग जावास्क्रिप्ट बेस्ड एप्लीकेशंस दैट इंक्लूड ब्राउजर एक्सटेंशंस एंड वेबसाइट्स. Secondly, JSON format is used for serializing and transmitting structured data over network connections. And thirdly, it is primarily used to transport data between server and web applications. And web services and API use JSON format to provide public data. वेब सर्विसेज भी कॉमनली यूज होती हैं, एपीआई भी कॉमनली यूज होती हैं, और जनरली जब वेब सर्विसेज बनाई जाती हैं या एपीआई बनाई जाती हैं तो जो अपना डेटा जो स्टैंडर्ड है जनरली जेसन इज द मॉडर्न फॉर्मेट विच इज बीइंग यूज्ड. इट कैन बी यूज्ड विद प्रोग्रामिंग मॉडलिंग मॉडर्न प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस एज वेल. Simple example of in JSON. So here you can see there in the curly brackets. So any JSON file starts with two curly brackets. So it make it a JSON object. अब इसके अंदर हमें नजर आ रहा है book colon और उसके बाद square bracket नजर आ रही है हमें. तो स्क्वायर ब्रैकेट इंडिकेट्स एन एरे. तो हम ये कहना चाह रहे हैं कि बुक कॉलन सम एरे मींस दैट नेम ऑफ एरे इज बुक एंड आफ्टर कॉलन देयर इज अ वैल्यू दैट इज कंटेंट ऑफ एन एरे. सो इट वी हैव क्रिएटेड एन एरे विद द नेम ऑफ बुक. नाउ विद इन एन एरे अगेन देयर आर यू कैन सी कर्ली ब्रैकेट्स. सो this array is composing two objects. This is first object with some sort of book id, language, edition, author, and then another object with another book id, language, edition. So you can see that in a JSON object we can include arrays, and within arrays again we can include objects. So it means that we can create a nested hierarchy as much deep as we need. I repeat, we can create nested hierarchies. और ऑब्वियसली इसके अंदर डेटा ही होगा. वी कैन क्रिएट नेस्टेड हायरार्कीज ऑफ डेटा एज मच एज नेस्टिंग वी नीड दैट इज पॉसिबल. सो देयर इज ग्रेट फ्लेक्सिबिलिटी इन दिस फॉर्मेट. ऑब्वियसली इट दिस ऑल कैन बी रिटन इन इन इक्विवेलेंट एक्सएमएल फॉर्मेट एज वेल, बट एक्सएमएल गेट्स मोर वर्बोस and becomes difficult for human readability. For computers it is it doesn't matter, computer can read this format as well as XML as well. Okay, JSON syntax. JSON syntax is basically considered as a subset of JavaScript syntax. It includes the following. Firstly, data is represented in name value pair. Name value pair का मतलब है कि नाम भी होना चाहिए और value भी होनी चाहिए.
तो मिल के ये दो चीज़ें बनेंगी, नाम भी ज़रूरी है, वैल्यू भी ज़रूरी है। सो विद कर्ली ब्रेसेस, द कर्ली ब्रेसेस होल्ड ऑब्जेक्ट्स एंड ईच नेम इज फॉलोड बाई कॉलन, द नेम वैल्यू पेयर्स आर सेपरेटेड बाई कामा। तो जो ऑब्जेक्ट्स होंगे, ऑब्जेक्ट्स आर इंक्लोज इन कर्ली ब्रेसेस, ऑन द अदर हैंड स्क्वेयर ब्रैकेट्स होल्ड एरेज एंड वैल्यूज एंड आर सेपरेटेड बाय कॉमा। ठीक है, अब या और भी एग्जांपल देखते हैं आगे। जैसन स्पोर्टेड डेटा स्ट्रक्चर्स, जैसन स्पोर्ट्स फॉलोइंग टू डेटा स्ट्रक्चर्स, वन इज कलेक्शन ऑफ नेम वैल्यू पेयर, दिस डेटा स्ट्रक्चर इज सपोर्टेड बाय सेकेंडली ऑर्डर्ड लिस्ट ऑफ वैल्यूज विच इंक्लूड्स एरेज, लिस्ट, वेक्टर्स और सीक्वेंसेस। जैसन डेटा टाइप्स, अब एक तरफ तो नेम होता है, नेम इज ऑलवेज स्ट्रिंग, एम आई ऑडिबल? जी सर, हाँ बीच में ब्रेक हुआ था, अभी आ रही है मैं। हाँ, ब्रेक हुआ था इसलिए मैं रुक गया था। जैसे मैंने आपको पहले बताया है कि लेट मी जैसे मैंने आपको पहले बताया कि बेसिकली हम कहते हैं जी नेम और कॉलन और वैल्यू, वैल्यू ज़्यादा भी हो सकती हैं, सारा काम पेयर में चलता है। अब नेम विल ऑलवेज बी अ स्ट्रिंग, लेकिन वैल्यूज़ की अब हम बात करेंगे, वैल्यूज़ क्या क्या हो सकती हैं। तो वैल्यूज़ का यहाँ पे हमें नज़र आ रहा है कि वैल्यूज़ में इंक्लूड नंबर्स, इंटीजर और फ्लोटिंग पॉइंट, स्ट्रिंग्स, बूलियन एरेज, पूरी पूरी एरे वैल्यू की जगह पे आ सकती है, ऑब्जेक्ट हो सकते हैं और नल भी हो सकता है। नल वैल्यू इज ऑल्सो अ वैलिड वैल्यू, नल वैल्यू इज ऑल्सो अ वैलिड वैल्यू। ओके, फॉर एग्जाम्पल, इफ हेयर इज एग्जाम्पल ऑफ अ स्ट्रिंग, सो वी आर प्लेसिंग इट अ कर्ली ब्रैकेट, सो इट विल बी बिकम अ जेसन ऑब्जेक्ट। तो नेम जॉन, बुलियन देखें सेल ट्रू, बुलियन वैल्यू आ गई, जेसन नंबर एज 30। तो सिंपल सेंटेक्स है इसका। नाउ इफ यू टॉक अबाउट द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट इज एन अनऑर्डर्ड सेट ऑफ वैल्यू पेयर, नेम वैल्यू पेयर। ऑब्जेक्ट्स आर इंक्लोज इन कर्ली ब्रेसेस एंड विद दिस brace, then each name is followed by a column and key value pairs are separated by a comma. जब एक पेयर कंप्लीट हो जाएगा, अगला पेयर शुरू करना है तो कॉमा लगाएंगे। द की मस्ट बी स्ट्रिंग,
की को हमेशा स्ट्रिंग में होना चाहिए जो लेफ्ट साइड पे है कॉलन के, एंड शुड बी डिफरेंट फ्रॉम अदर, यानी कि एक ही नाम की दो, एक ही स्ट्रिंग वैल्यू नहीं हो सकती दो कीज की. ऑब्जेक्ट्स शुड बी यूज्ड व्हेन की नेम्स आर आर्बिट्ररी स्ट्रिंग्स. तो स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट ही होता है. सो दिस इज अ बेसिक सेंटेक्स. दे वुड बी स्ट्रिंग कॉलन, देन दे बी अ वैल्यू, देन दे विल बी कॉमा, एंड देन दे विल बी नेक्स्ट की वैल्यू पेयर, देन नेक्स्ट की वैल्यू पेयर. हेयर इज एन एग्जाम्पल. हेयर देर आर थ्री की वैल्यू पेयर्स, आई डी कॉलन 011A, लैंग्वेज कॉलन जावा, प्राइस कॉलन 500, एंड ऑल आर सेपरेटेड बाई कॉमा, एंड होल ऑब्जेक्ट इज इनक्लोज इन कर्ली ब्रेसेस. जैसा अरेज, इट इज एन ऑर्डर्ड कलेक्शन ऑफ वैल्यूज, एंड दीज आर इनक्लोज्ड इन स्क्वायर ब्रैकेट्स. And arrays begin with, as you can see, the values are separated by comma. Again, if you are, you will start new value, that will be comma. Array index can start at 0 or 1. Arrays should be used when key name are sequential integers. When key names are sequential integers. Okay, let's look at example of array. Again, you can see there should be square brackets, and then there would be multiple values. Once value finishes, there should be a comma, and so on. So here, as you can see, there is an array which has three objects. This book array has three objects. Each object is separated by comma, and each object has two key value pairs. One is language Java edition, second language this. So each object has two key value pair. One is related to language, other one is related to some edition, then language is different, and so on. So it can be anything. So you can see that a complex structure can be created. Excuse me, sir. Ji. Sir, ki key value pair or name value pair ek hi cheez hai. Kya cheez dobara bataye? सर, की वैल्यू पेयर और नेम वैल्यू पेयर एक ही चीज को कह रहे हैं आप? हाँ, एक ही चीज है, बिल्कुल. सॉरी, मैं मुख्तलिफ यूज कर रहा हूँ, नेम वैल्यू, की वैल्यू. इट इज सेम. की इज ऑलवेज अ स्ट्रिंग, तो वो नेम भी कहते हैं उसको. की वैल्यू एंड नेम वैल्यू इज सेम. सर काइंडली दूसरा, सर ये मुझे ये ऑर्डर्ड और अनऑर्डर्ड का समझ नहीं आया कि हाउ इज दिस एरे ऑर्डर्ड और हाउ वाज द प्रीवियस वो जो ऑब्जेक्ट था वो अनऑर्डर्ड था. हाँ, इसमें इसको फिर मैं बाद में डिस्कस करेंगे, क्योंकि इसमें वो न्यूमेरिक नहीं ना डाला हुआ, इसमें ऑब्जेक्ट्स नहीं है ना, इसमें स्ट्रेट वे आर्बिट्री ऑब्जेक्ट्स डाल दिए हैं. जनरली एरे में हम ऑब्जेक्ट अगर नहीं डालते तो अब सिंपल हम फॉर एग्जांपल स्ट्रिंग की एरे बना सकते हैं, तो इसलिए ये एरे की एग्जाम्पल डिफरेंट है, इसलिए उसका मैच नहीं कर रही. तो वो एग्जाम्पल आती है आगे, तो फिर मैं दिखा दूंगा आपको. राइट सर, क्वेश्चन ठीक है, वैलिड है आपका. जेसन वर्सेस एक्सएमएल. तो ये देखें, जेसन अभी हमने जैसे एक देखा, एम्प्लॉय का एक एरे बनाई है हमने, फिर हमने मुख्तलिफ फर्स्ट नेम लास्ट नेम के, हमने तीन तरह के फर्स्ट नेम लास्ट नेम है. द सेम इंफॉर्मेशन कैन बी स्टोर्ड इन एक्सएमएल फाइल एज वेल, and as well as we can transmit or marshal the file as from one place to another as well. But isme aap content zara badh jata hai. For example, first name ke liye humne starting tag, ending tag, last name ka starting tag, ending tag, and all
ये एम्प्लॉय टैग में डाले हैं, फिर सेकंड एम्प्लॉय टैग शुरू कर रहे हैं, फिर थर्ड एम्प्लॉय टैग शुरू कर रहे हैं और फिर इनक्लोजिंग एम्प्लॉय पे टैग है। तो थोड़ा सा द सेम इंफॉर्मेशन कैन बी टेक्निकली यूज्ड इन एक्सएमएल एज वेल, लेकिन है कि अगर आपको एक्सएमएल प्रोग्रामेटिकली बिल्ड करनी पड़ जाए तो वो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाता है, अगर बड़ी फाइल बनानी पड़ जाए आपको, जबकि जेसन की फाइल अगर आपने प्रोग्रामेटिकली क्रिएट करनी हो तो वो कंटेंट क्योंकि कम होता है तो वो आसानी से बनाई जा सकती है। सो प्रोग्रामर्स फाइंड इट ईजियर टू जनरेट एग्जाम जेसन फाइल इंस्टेड ऑफ एग्जाम्पल फाइल। जेसन ऑब्जेक्ट्स, जेसन ऑब्जेक्ट कैन बी क्रिएटेड विद जावास्क्रिप्ट। तो जावास्क्रिप्ट से भी हम जेसन का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हैं। लेट अस सी वेरियस वेज ऑफ क्रिएटिंग जेसन ऑब्जेक्ट्स यूजिंग जावास्क्रिप्ट। अब ये जो है ये एग्जांपल जावास्क्रिप्ट के जरिए जेसन ऑब्जेक्ट बनाने की है। तो अगर फॉर एग्जांपल हम एक वेरिएबल क्रिएट करते हैं जावास्क्रिप्ट में, कोई भी नाम रख दें हम, जेसन ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू दिस, सो वन ऑब्जेक्ट विल बी क्रिएटेड। सो एम्प्टी ऑब्जेक्ट, एम्प्टी जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट विल ऑल्सो बी एन एम्प्टी जेसन ऑब्जेक्ट। देन वी कैन ऑल्सो मेक यूज अ टिपिकल न्यू कीवर्ड फॉर क्रिएटिंग एन ऑब्जेक्ट। And thirdly, we can create an object with attribute book name with a value string and attribute price with a numeric value. Attribute is accessed using operator using dot operator. तो ये for example again इसमें आप देखेंगे तो key value pair है, book name is a key and its value is bb black book and second key is price and its value is 500. तो इसको जब आप कहते हैं जी हम वी कैन एक्सेस दी एट्रीब्यूट बाई डॉट वैल्यू, तो मतलब ये कहने का कि हम सिंपली जब हमने एक्सेस करने ऑब्जेक्ट बन गया हमारा तो हम वी कैन स्ट्रेट अवे राइट जैसन ऑब्जेक्ट फॉर एग्जाम्पल ये बनाया हुआ हमने, डॉट बुक नेम करूंगा मैं, तो क्या हमें रिटर्न हो जाएगा, हमें ये रिटर्न हो जाएगा वैल्यू। अगर डॉट प्राइस करूंगा तो मुझे 500 रिटर्न हो जाएगा एंड आई कैन मेक यूज ऑफ इट इन एनी। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं जी मैंने एक और एरे बना ली, एक वेरिएबल बना लिया है, इसमें पिक करना चाहता हूं मैं variable b, so I can get this value in a variable. Okay, a JSON parse. JSON parse, a common use of JSON is to exchange data to and from a web server. When receiving data from a web server, the data is always a string. ठीक है जी, जब data exchange हो रहा होता है तो string format में हो रहा होता है, लेकिन जब आपने programmatically use करना है तो obviously you would like that वो you should be able to convert that into some object. तो string में for example आपको data आ गया server से. Now parse the data with JSON parse. The data becomes the object. तो वो आप जब जेसन डॉट पार्स फॉर एग्जाम्पल आप लिखेंगे तो डेटा ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। एंड सिमिलरली इफ सम एरेज एज अ जेसन, वो कैसे होगा, वेन यूजिंग जेसन पार्स ऑन अ जेसन ड्राइव फ्रॉम एन एरे, द मेथड विल रिटर्न जावास्क्रिप्ट एरे। तो आप एरे फॉर्मेट में अगर फॉर एग्जाम्पल ये एरे सी बनी हुई है आपको नजर आ रहा है, अब ये सर्वर से फॉर एग्जाम्पल यू रिसीव अ स्ट्रिंग
जिसका स्ट्रक्चर एरे फॉर्म में है, तो आप क्या कर सकते हैं, आप लिखेंगे जेवन जेसन डॉट पार्स और टेक्स्ट एरे फॉर एग्जाम्पल लिखेंगे तो इट विल बी कन्वर्टेड इन टू एन एरे, और जिस एरे के एलिमेंट्स को आप एक्सेस कर सकते हैं यू विल स्टार्ट एक्सेसिंग दीज एलिमेंट्स लाइक एन एरे. सो दिस फॉर दिस आई हैव ऑल्सो डेवलप्ड एन अ डेमो फॉर यू. लेट मी शो. ओके जेसन पार्स. ये जेसन पार्स ये एक फाइल है. इट इज एन एचटीएमएल फाइल. एचटीएमएल फाइल का टैग एचटीएमएल रूट टैग एचटीएमएल होता है. देन इट मे हैव हेड टैग एंड बॉडी टैग. तो बॉडी टैग नजर आ रहा है आपको. बॉडी टैग में हमने स्क्रिप्ट टैग नजर आ रहा है. तो स्क्रिप्ट टैग के अंदर बेसिकली लिखी जाती है जावास्क्रिप्ट. तो अब इसमें जो सेंटेक्स है वो आपको सिंपल ही लगेगा. तो अब ये पूरी एचटीएमएल फाइल है. आई कैन ओपन इट इन एनी वेब ब्राउजर. सो लेट मी ओपन इट इन सम वेब ब्राउजर. तो ये आप अगर देखें तो यही वाला टैग है, यही वाला कोड है जो मैंने ब्राउजर के अंदर खोला. बिकॉज इट इज एन एचटीएमएल फाइल वी कैन ओपन इट इन अ ब्राउजर. तो ये स्क्रिप्ट टैग है यहाँ से लेकर यहाँ तक. इसमें ये फॉर एग्जांपल एक इट इज अ सिंपल स्ट्रिंग. ये सिंपल स्ट्रिंग है और स्ट्रिंग को ये कर्ली ब्रैकेट्स में है स्ट्रिंग. It means or this string is being saved in text variable constant में. तो मैं अगर text लिखता हूँ यहाँ पे तो आपको यहाँ से नजर आएगा कि एक ये पूरी एक string है जो कि मुझे available है. इसके बाद मैं keyword use करता हूँ json dot parse and I pass the text which is a string here. तो अब and after parsing I save it into constant object. तो अगर मैं object की values देखना चाहूँ तो आपको नजर आएगा कि ये जो object है ये actually ये इसकी parse होके इसकी तीन values अलग अलग हो गई हैं. age अलग हो गई है, city अलग हो गई है, name अलग हो गई है इसकी values. And with this, I should be able to access, for example, age. So I can access the age. तो क्योंकि डेटा ट्रांसपोर्ट करना होता है हमने स्ट्रिंग में, तो जरूरी है कि जितनी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं दे शुड बी एबल टू कन्वर्ट दोज स्ट्रिंग्स इंटू ऑब्जेक्ट्स सो दैट दोज ऑब्जेक्ट्स कैन बी मैनिपुलेटेड बाई एनी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस. ठीक है, ये कॉन्सेप्ट आपको आप इसका फायदा समझ आ रहा होगा. सिमिलरली अगर मैं कहता हूं कि एक ये एरे बनी हुई है स्क्वायर ब्रैकेट से, तो ये फॉर एग्जांपल सर्वर से आई है, पूरी स्ट्रिंग आई है, रिसीव हुई है हमें टेक्स्ट में. सो इफ आई वांट टू सी के टेक्स्ट एरे में क्या पड़ा हुआ है, तो आपको नजर आएगा पूरी एक स्ट्रिंग है, डबल कोट के अंदर पूरी एक स्ट्रिंग है और स्ट्रिंग के अंदर ये पूरी एक स्ट्रिंग है. लेकिन जब मैं सॉरी एरे है अब, लेकिन इसका फॉर्मेट स्ट्रिंग वो एरे फॉर्मेट में स्ट्रिंग बनी हुई है. तो वंस आई राइट द सेम वर्ड मेथड जेसन डॉट पार्स टेक्स्ट एरे पास करूंगा इसे, तो एंड इट विल बी सेव्ड इन द कॉन्स्टेंट माई एरे. सो वॉट विल हैपन, तो आपको पता चलेगा कि ये एरे में कन्वर्ट हो गया.
और यहाँ पे देखिए अभी आपको नंबरिंग नजर आ रही है, जीरो, यानी आप फोर्ड को एक्सेस कर सकते हैं, 0 1 2 3 4। तो यहाँ पे ऑन जो तुम्हारा क्वेश्चन था ना, वो बेसिकली इस कॉन्टेक्स्ट में बात हो रही थी कि जब वो एरेज होती है वो आप इंडेक्स नंबर से ऑर्डर्ड नंबर के साथ आप एक्सेस कर सकते हैं, जो पहला होगा उसको जीरो मिल गया जैसे है, दूसरा है उसको वन मिल गया। सो आई कैन अगेन एक्सेस इट विद माय एरे, और अगर मैं फॉर एग्जांपल जीरो लिखूंगा तो आई शुड बी एबल टू मोस्ट लाइकली एक्सेस इट माय एरे। ओह मैंने क्या किया, तो ये फोर्ड मुझे मिल गया है, ठीक है। तो ये एक सीक्वेंस में उनको चीजें पड़ी होती हैं एरे के अंदर। राइट सर, सो आई होप जी, एनी क्वेश्चन? नो सर। ठीक है, सो इस डेमो से आपको कुछ जैसन का फायदा नजर आया होगा। बेसिकली करना क्या होता है, इट्स अ सिंपल फॉर्मेट। हम जब भी डेटा सर्वर और क्लाइंट के दरमियान में यू वो एक्सेस करते हैं, वी कन्वर्ट इन टू अ स्ट्रिंग एंड वी पास इट, एंड क्योंकि इसका स्टैंडर्ड फॉर्मेट है तो वी कैन इमीडिएटली विद अ लिटल कमांड, फॉर एग्जांपल डॉट पास लिखते हैं तो इमीडिएटली वो दोबारा ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कर लेते हैं हम। और इसी तरह ऑब्जेक्ट में भी तो आपने कन्वर्ट करना देखा है, अगली स्लाइड पर देखें तो आप स्ट्रिंग भी उसी तरह, आप अगर ऑब्जेक्ट है आपके पास जस्ट कन्वर्ट इन टू अ स्ट्रिंग बिफोर सेंडिंग इट टू द सर्वर और अ क्लाइंट, तो स्ट्रिंगिफाई करके आप भिजवा देते हैं, एंड वंस इट रीचेस टू द डेस्टिनेशन आप उसे दोबारा ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कर लेते हैं। सो विद द स्ट्रिंगिफाई व्हाट वी डू, इट्स अ कॉमन यूज ऑफ जेसन इज टू एक्सचेंज डेटा टू एंड फ्रॉम वेब सर्वर, एंड व्हेन सेंडिंग डेटा टू अ वेब सर्वर द डेटा हैज टू बी अ स्ट्रिंग। To convert a JavaScript object into a string with JSON, stringify. इससे हम इसको stringify कर सकते हैं, stringify का भी डेमो मैंने बनाया हुआ है, and ये for example stringify की एक HTML file है, और ये स्क्रिप्ट टैग नज़र आ रहा है आपको, स्क्रिप्ट टैग के अंदर हमने ये एक, जब हम ये जावा स्क्रिप्ट में जब हम इस तरीके से लिखते हैं ना, कर्ली ब्रेसिस के अंदर नेम वैल्यू पेयर बनाते हैं और उसे असाइन करते हैं तो ये ऑब्जेक्ट बन जाता है जावा स्क्रिप्ट में। तो आप देखें मैं ऑब्जेक्ट पे लेके आ रहा हूँ कर्सर, तो मुझे बता रहा है कि इट इज़ एन ऑब्जेक्ट विद थ्री डिफरेंट वैल्यूज, नेम ऑफ टाइप स्ट्रिंग, एज ऑफ टाइप नंबर एंड सिटी ऑफ टाइप स्ट्रिंग। तो एक ऑब्जेक्ट बन गया हमारे पास। अब इस ऑब्जेक्ट को जब मैं जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई करके पास हम करूँगा तो माई जेसन शुड बी अ स्ट्रिंग। देखें यहाँ लिखा भी आ रहा है, स्ट्रिंग लिखा हुआ आ रहा है, ये स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो जाएगा। एंड देन आई कैन पास ऑन किसी भी, मैं अगर मैं ये स्ट्रिंग पास करूँगा तो ये उस पर लिखा हुआ आ जाएगा। सो लेट मी शो यू ऑन, ओपन इट ऑन अ ब्राउजर, कॉपी पाथ एंड देन आई गो हेयर, लेट मी पुट इट हेयर, बट आई हैव टू, हाँ बल्कि स्टेट अभी खुल जाएगा ये। ओके ये खुल गया है, ये बॉडी टैग आपको नजर आ रहा है, इसके अंदर एच टू टैग है, ये स्क्रिप्ट है मेरा जावास्क्रिप्ट में। अगर मैं ऑब्जेक्ट को देखूं तो इट विल बी एन ऑब्जेक्ट, बता इट इज अ स्ट्रक्चर्ड वे, ये स्ट्रक्चर्ड पड़ा हुआ है, एज 30 और इसके आगे पूरा ये ऑब्जेक्ट है बेसिकली, इसकी बाकी प्रॉपर्टीज वगैरह सारी विजिबल है हमें, एक्चुअल ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट हो चुका है इस तरीके से। अब जब मैंने ऑब्जेक्ट से इसको स्ट्रिंगिफाई डॉट ऑब्जेक्ट किया तो माई जैसन शुड बी अ स्ट्रिंग, माई जैसन, तो ये आपको नजर आएगा कि ये एक स्ट्रिंग की फॉर्म में है, सो इट हैज बीन कन्वर्टेड, नाउ वी कैन सेंड इट
एनी वेयर फॉर एग्जाम्पल, मैंने यहाँ पे जो एक मैंने बनाया हुआ है ये, मैंने एक पी एलिमेंट बनाया हुआ है एचटीएमएल का, और पी एलिमेंट के अंदर जब मैंने ये इसको साइन के अंदर आके ये सेव हो गया एचटीएमएल, जिन्होंने पढ़ी हुई है उनके उनको समझ आएगी ये क्या किया मैंने। बहरहाल पॉइंट ये है जो डेमो देने वाला है कि जी ये दो मेथड जान है जेसन की, आप ऑब्जेक्ट बनाएं, ऑब्जेक्ट से स्ट्रिंग बनाएं, ट्रांसपोर्ट करें, जो रिसीव करे वो स्ट्रिंग से दोबारा ऑब्जेक्ट बनाए, उसको मैनिपुलेट करे, फिर प्रोसेस करे, फिर स्ट्रिंग में कन्वर्ट करे, फिर वापस भेजे। सो दिस हाउ दिस जेसन इज बीइंग यूज्ड। ओके, द कॉमन यूज ऑफ जेसन इज टू एक्सचेंज डेटा टू एंड फ्रॉम वेब सर्वर्स, एंड व्हेन रिसीविंग डेटा फ्रॉम अ वेब सर्वर The data is always a string. Data is always a string. Parse the data with JSON.parse and data becomes a script. अब server side languages पे थोड़ा सा एक demo देता हूँ आपको मैं। PHP is a server language, यानी कि server वो हम कुछ भेजेंगे डेटा, तो पीएचपी फाइल सर्वर पे पड़ी होती हैं, और सर्वर जब रिसीव करता है कुछ इन्फॉर्मेशन तो अपनी पीएचपी फाइल को प्रोसेस करता है एंड देन सेंड्स बैक प्योर एचटीएमएल फाइल, तो सेंड करता है फिर वो जो होती है वो एचटीएमएल फाइल को सेंड कर रहा होता है। तो सेंडिंग डेटा टू अ सर्वर, if you have a data stored in javascript object you can convert object into json and send it to a server. So for example ye jab hum likhenge javascript ke andar jab hum is tarah square curly brackets ke andar koi information likhte hain and we save it some variable to ye convert ho jata hai object mein. अब ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट हो गया, जैसे मैंने बताया था जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई हम करेंगे तो वो स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो जाएगा। अब ये स्ट्रिंग आ गई माय जेसन। अब फॉर एग्जांपल एक कीवर्ड यूज होता है वेब विंडो लोकेशन, विंडो लोकेशन का मतलब होता है इट इज एन ऑब्जेक्ट विच कंटेन्स इंफॉर्मेशन अबाउट करंट यूआरएल, यानी जो भी यूआरएल इस पर खुला हुआ है उस यूआरएल पे ये इंफॉर्मेशन सेंड होगी, जो भी पी एच पी फाइल उसको प्रोसेस करेगी वो इन्फॉर्मेशन को सेंड करेगी। बहरहाल इस पर इतना वो करने की जरूरत नहीं है क्योंकि फिर इसके लिए पी एच पी भी देखनी पड़ेगी आपको। बहरहाल मैं आप इसका डेमो आपको दूंगा, वहाँ से वो समझ आएगी हो गया है। फॉर एग्जाम्पल ये एक पी एच पी फाइल है, पी एच पी फाइल इसकी एक्सटेंशन .php है .php, मैंने नाम रखा है इसका जेसन php। अब इसके अंदर अगर मैं देखूं तो बॉडी, जो कुछ बॉडी में लिखा होता है वो सारा एक्सेस हो रहा होता है, हमें यूजर को नजर आ रहा होता है। तो बॉडी के अंदर ये php का टैग है, इसके अंदर हम php का कोड लिख रहे हैं। अब PHP के कोड के अंदर सबसे पहले हमने किया कि हमने एक क्लास बनाई है, पर्सन की क्लास बनाई है, और पर्सन क्लास के अंदर तीन फील्ड्स हैं या एट्रीब्यूट्स कह लें इसको आप, नेम, अच्छा नाम PHP में डॉलर साइन के साथ डिक्लेयर किया जाता है वेरिएबल जो है, तो डॉलर नेम डॉलर एज मीन्स दीज आर थ्री वेरिएबल्स। यहाँ पे टिपिकल जैसे हम जावा में करते हैं, हमने क्या किया कि एक हमने ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया है पर्सन क्लास का न्यू पर्सन करके। नाउ आई एम असाइनिंग सम वैल्यूज, तो मैंने नेम, हमने जॉन असाइन किया नेम, एज 30 असाइन कर दिया इस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के अगेंस्ट, और सिटी को मैंने असाइन कर दिया न्यू ऑब्जेक्ट। सो वन दे नाउ देर इज अ पी एच पी ऑब्जेक्ट एंड पी एफ जी ऑब्जेक्ट को हमने फिल कर दिया, वैल्यूज डाल दी हैं,
अब पीएचपी के अंदर एक मेथड है, जैसे मैंने अभी जावास्क्रिप्ट का आपको बताया था, इस तरह सारी लैंग्वेजेस के अंदर होता है, पीएचपी के अंदर भी एक जो मेथड है विच कन्वर्ट्स दैट इनटू अ स्ट्रिंग। तो वो जो है दैट इज जेसन इनकोड। तो इसको जब ऑब्जेक्ट पास करेंगे तो देन इट इज गोइंग टू कन्वर्ट दैट इनटू माय जेसन वेरिएबल में कन्वर्ट होगा विच विल बी ऑफ टाइप स्ट्रिंग एंड देन वी कैन प्रिंट इट। पीएचपी में प्रिंट करने के लिए वी मेक यूज ऑफ वर्ड इको। तो लेट मी रन इट इन डीबग मोड। So I go to debug mode and I run it. So I am at the breakpoint point. Here you can see that my object is a person and currently iski jo do teen attribute hai null hai. I move forward and now my object has values Johnson name string and it means that now my object is prepared. The proper object is iske andar teen wo attribute values hain. Now once I'll execute this it should be converted, it should be converted into the string. To ye my json fill ho gaya aur dekhen pure string ban gayi hai ye. And now I am printing it my JSON. तो ये मैंने लाइन एग्जीक्यूट की है, तो ये आपको नजर आएगा कि बॉडी टैग के अंदर ये स्ट्रिंग उसने पेज के अंदर प्रिंट कर दिया। ठीक है, ये पूरा वो जो वेब पेज बिल्ड होगा, तो जब क्लाइंट के पास पहुंचेगा, क्लाइंट के पास जब पहुंचेगा तो उसको PHP नजर नहीं आती PHP में, क्योंकि सर्वर साइड पे प्रोसेस हो जाता है। तो क्लाइंट को नजर आ रहा है वो बॉडी टैग के अंदर एक स्ट्रिंग वापस रिसीव होगी इसकी, और कुछ पता नहीं चलेगा क्लाइंट को क्या हुआ उसके साथ। सो दिस हाउ पीएचपी वर्क्स एंड यू कैन सी दैट एन एग्जांपल ऑफ जेसन दैट वी हैव कन्वर्टेड अ जेसन, द जेसन ऑब्जेक्ट इज कन्वर्टेड बाय आवर सर्वर इनटू अ स्ट्रिंग एंड दैट स्ट्रिंग हैज बीन पास्ड टू द क्लाइंट। तो अगर मैं इसको खोलूं ब्राउजर में, तो ये मैंने ब्राउजर में खोला है, ब्राउजर में मुझे लोकल होस्ट, क्योंकि सर्वर के थ्रू आप प्रोसेसिंग करवानी है आपको, तो लोकल होस्ट, क्योंकि लोकल होस्ट पे मेरा सर्वर चल रहा है, आई कैन गेट इट हियर। तो अगर आप इसको इंस्पेक्ट करें तो आपको नजर आएगा बॉडी टैग में बस स्ट्रिंग रिसीव हुई है ब्राउजर को, पीएचपी टाइप कोई चीज नहीं है। तो पीएचपी ने क्या किया कि जब सर्वर ने भेजा है उसे, तो सर्वर ने उसे भेजा है तो उसने पूरा स्ट्रिंग में कन्वर्ट करके एचटीएमएल फाइल बना के वापस भेजा, एंड दिस इज कंटेंट ऑफ एचटीएमएल फाइल विद द क्लाइंट। डिस्कनेक्ट तो नहीं हो गया? आई होप No, sir. I am audible. Okay. So, ये मैंने आपको बताया कि जैसे हम रिसीव करते हैं डेटा, तो स्ट्रिंग ये फॉर एग्जाम्पल अभी डेटा, ये हमने डेटा सेंड किया सर्वर को, तो हम स्ट्रिंग बना के सर्वर को भेज देंगे। सर्वर जब रिसीव करेगा डेटा तो उसे दोबारा वो ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कर लेगा और फिर उसको यूज कर सकता है। अच्छा, ये मैंने आपको ऑलरेडी डेमो दे दिया है इसका, जेसन php.php कि ये एक php की फाइल थी, ये ऑब्जेक्ट बनाया हमने, ऑब्जेक्ट बना के, और PHP has built-in function to handle JSON and objects in PHP can be converted into JSON by using PHP function json.underscore encode. तो ये हमने यहाँ पे use किया, so it has converted into a string. So JSON support
for multiple languages. So JSON can be used for almost all the programming languages. Following examples can be seen here. इस लिंक पे ये एग्जांपल्स नजर आएंगी, पीएचपी से कैसे यूज कर सकते हैं, पर्ल के साथ, पाइथन के साथ, रूबी के साथ, जावा के साथ, एजेक्स. सो यू विल फाइंड दीज एग्जांपल्स ऑन दिस लिंक. सो दिस एंड्स आवर फर्स्ट पार्ट ऑफ द लेक्चर दैट वाज बेसिकली, सॉरी यहाँ मैंने आई वाज रिक्वायर्ड टू राइट जेसन. ठीक है, मैंने थोड़ा सा modify kiya. So we have finished discussion on JSON, which conceptually falls under transport layer of middleware technologies, and which provides basic pipes for transporting data from one end to the other end. So with this we can take a break, and after break we may start second part of the lecture, that is message oriented middlewares. So any question or query?